So our next topic is sequence and series. ठीक है, sequences and series. What is a sequence and what is series? ठीक है, what we are going to study under this topic. ठीक है, AP, GP, क्या पढ़ेंगे हम, है ना? पहले sequence की बात करते हैं. What is a sequence? A sequence is a function of a quantity n. A sequence is a function of n where n belongs to natural number ठीक है, this is called a sequence. Let's suppose that अगर मैंने कहा an equals to 2n minus 1, what it is? It is a sequence which represent what? Odd numbers. Check कर लो. If you will put n equal to 1, then a1 equals to what? 1. If you will put 2, a2 equal to 3. a3 कितना आएगा? 5. a4, 7. a5, 9. This is called sequence. ठीक है, और ये sequence ही क्या है? Terms है. क्या है? Terms a1, a2, a3, a4, a5. Depending upon its domain. Domain क्या होगा? The value of set of values of n is called as domain. N की value, ना कि an की value. The set of values of n is what? It is domain. ठीक है. तो depending upon domain, अगर domain finite है, तो sequence भी finite होगा. अगर domain infinite है, तो sequence भी infinite होगा. अरे बात समझे? Sequence के अंदर terms कितनी होंगी? Infinite terms होंगी. और अगर domain finite है आपका, तो sequence के अंदर terms क्यों होंगी? Finite होंगी. तो बात समझ में आई? तो depending upon domain, finite और infinite sequence. समझ में आया आपको? यानी कि जब value of n है, अगर वो 0 to infinity है, ओ सॉरी 1 to infinity, 0 तो होगा ही नहीं, 1 to infinity है, तो क्या होगा? Infinite series, ओ सॉरी infinite sequence, और नहीं तो finite sequence. ठीक. Now what? अब ये series क्या है? Series क्या होता series? देखो, ये कहलाता series, ध्यान से देखो. A1 plus A2 plus A3 plus इस फॉर्मेट में अगर हम टर्म्स को लिखें, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज सीरीज. ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन, दिस कॉल्ड एज सीरीज. अब ये सीरीज जैसे सपोज इट यहाँ पे होता, यहाँ पे कैसे होता? वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस अप टू इन्फिनिटी, इट्स कॉल्ड एज. आई बात समझ में? तो ये क्या है? सीरीज है. अच्छा, मान के चलो मैं ये कहता कि बस ए फाइव तक लिमिटेड है, यहाँ तक आगे खत्म, कुछ नहीं. ये सीरीज इतनी ही है, तो ये क्या है? फाइनाइट सीरीज है. क्या ये? फाइनाइट सीरीज. अच्छा, ये बात बताओ, 5, 3, 8, 8, 9, 7, 16, 9, 25, ये भी सीरीज है क्या भाई? ये जब सीरीज है तो ये भी तो सीरीज होगी ना. ये सीरीज नहीं है. ये क्या है? सम ऑफ द सीरीज. क्या है? सम ऑफ सीरीज. और ये क्या है? सीरीज किस फॉर्म में होता है? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 अप टू वन आवर, जहां तक भी हमारा एन जाएगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज. अब क्या होता है अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, अगर एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में पर्टिकुलर पैटर्न है, यानी कि प्रोग्रेशन हो रहा है. प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, है ना. अगर आगे आने वाली सक्सेसिव टर्म्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, और एक पर्टिकुलर पैटर्न से, कैसे पर्टिकुलर पैटर्न्स? या तो उनका जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम है, या फिर सक्सेसिव टर्म्स का रेशो वो सेम है. तो उस तरह की जो है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना, उस तरह की इसमें, ठीक है, अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया, वो पढ़ने वाले हैं. तो फिलहाल दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, और इस पर एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी 9.1, उसे देखते हैं हम कैसे होगी, है ना. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
अब सीक्वेंस में एक बड़ी फेमस सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस है ना, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस ये है क्या? ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है उसमें ये होता है कि हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होता है, हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होता है। जैसे ए वन इक्वल टू वन लिया और ए टू इक्वल टू वन लिया, इसमें फिबोनाची सीक्वेंस में जो ये होता है ना वो एन इज ग्रेटर देन टू के लिए होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। मतलब समझो क्या, ए एन मतलब मान के चलो टू से बड़ा लेना है तो ए थ्री ले लू, और ए थ्री माइनस वन ए टू प्लस ए वन, और ए टू प्लस ए वन कितना है टू। अरे बात समझ गया, तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आएगी वो कितनी आ गई, टू आ गई। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो ए थ्री प्लस ए टू आएगा है ना, और ए थ्री टू है और ए टू वन है तो थ्री आ गया। तो देखो कैसे आ रही है सीक्वेंस, इस तरह से आ रही है, वन वन इन दोनों का सम, टू इन दोनों का सम, थ्री इन दोनों का सम, फाइव इन दोनों का सम। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची क्यों रखा भाई, ये सीक्वेंस उसने दी, दूसरे ने उसको नाम दे दिया। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस। अब मेरी बात सुनो, अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, व्हिच इज एक्सरसाइज नंबर 9.1। इस एक्सरसाइज में 1 टू 14 क्वेश्चन है, मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस के हिंट दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर आपको मैं हिंट दे दूंगा कैसे करना है। ठीक है, और बड़े इजी क्वेश्चन, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करें। चलो जी, देखो जैसे ये फर्स्ट, उसने कहा फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखे, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म इज गिवन एज दिस। nth टर्म यानी कि जनरल फॉर्मूला दे दिया उसका। ठीक है, वी हैव टू राइट फर्स्ट फाइव टर्म्स, पहले से लेकर 6 क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम यही चीज चल रही है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइव टर्म कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं ए वन लिखूं तो जहां पे एन है वहां पे वन आ जाएगा ना, तो वन इंटू वन प्लस टू कितना, फर्स्ट फाइव टर्म में ए टू लिखूं तो टू इंटू टू प्लस टू, ए थ्री लिखूं ए फोर लिखूं, बहुत ध्यान से लिखना है ना, ए फाइव, फाइव इंटू फाइव प्लस टू दैट इज 35 है ना। अच्छा जी, तो फर्स्ट टू सिक्स तक क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना, फिफ्थ बता दूं, फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूँ। थोड़ा सा ऐसा है ना, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, अभी अभी टेंथ करके आए हो आप, कुछ तो होम बोर्ड वाले हैं, नहीं वो होम बोर्ड वाले जिन्हें एबल प्राइज़ मिला हुआ है, एबल प्राइज़ पता है, मैथ्स में नोबल प्राइज़ नहीं होता, मैथ्स में एबल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट फाइव टर्म्स, ए वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, फाइव की पावर वन प्लस वन टू। ठीक है सूर्यांश, ये बता देगा भाई माइनस वन की पावर जीरो कितना होगा, हाँ जीरो नहीं वन, किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो, वन एक्सेप्ट जीरो की पावर जीरो विच इज नॉट डिफाइंड, तो कितना हो गया 25। ए टू कितना होगा, माइनस वन की पावर वन तो माइनस, और फाइव की पावर थ्री 125 आ रहा है समझ में। ए थ्री कितना होगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन और फाइव की पावर फोर कितना हो जाएगा 625 है ना। ए फोर, ए फोर माइनस वन की पावर थ्री फाइव की पावर फाइव कितना हो जाएगा माइनस माइनस 625 इंटू फाइव कितना हो जाएगा
3125 ऐसे ही आप A5 निकाल लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक बेसिकली एक बात बताऊं, अभी आप 10th क्लास पास करिए आपने, आप 11th में हो, बेसिक लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट का। तो मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट आपको 20 तक तो टेबल, ठीक है, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब नंबर्स के अगर आपको याद है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपकी आपकी एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना उससे कई टाइम्स फास्ट कैलकुलेशन होगी, ठीक है। नहीं अगर आपको सपोज डेट यहीं पे आपको ये ना पता होता 25 जा कितना होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर दे, आपको ये ना पता होता कि 125 जा, अरे डेफिनेटली 25 का स्क्वायर ही होगा ना 125 जा, है ना। तो यानी कि आपको यार ये स्क्वायर्स याद हैं और ये ज़्यादा बड़े हार्ड काम नहीं है, ठीक है ना। 20 टेबल, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब। और मेन तो अगर टेबल की बात करूँ मैं आपको तो मेन है 16, 17, 18, 19, क्योंकि 15 तक तो ऑलमोस्ट आती हैं सबको, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।